लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऊंची आवाज इंडिया। नजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हजरत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रुख है, हालात हाजरा के तहत अगर आज देखा जाए उस पस मंजर में, तो यकीनन कहीं ना कहीं मिल्लत इस्लामिया को निशाना बनाने के लिए नित नए हथकंडे मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं। न सिर्फ फासिस्ट ताकतों की तरफ से, बल्कि समाज का एक मुनज्जम तबका भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपसी रसाकशी की वजह से एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है। और मीडिया की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल आया है, और कोई ना कोई ऐसा बहाना उभर कर सामने आ जाता है जहां मीडिया का पूरी तरह गलत इस्तेमाल करते हुए आज मिल्लत इस्लामिया के उभरती हुई नौजवान क़यादत को निशाना बनाना एक फैशन बनता जा रहा है। इन दिनों एक मकामी कन्नड़ न्यूज चैनल में यहाँ के एक मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम कलीम पाशा, जो एक तवील अरसे से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में मुसलसल मसरूफ रहे हैं, कहीं ना कहीं नशाना बनाते हुए उन्हें उनकी क़यादत से महरूम करने के लिए या उनकी क़यादत को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन दिनों वो भी मंजर सामने आया है। चलिए जानते हैं मोहतरम कलीम पाशा से कि क्या मामला हुआ था और किस तरह उनके नाम को बदनाम करने का सिलसिला चल पड़ा है। जानते हैं मोहतरम कलीम पाशा से, जो आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं इस्तकबाल करता हूं मोहतरम कलीम भाई आपका। इन दिनों एक बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि आपके बैंक अकाउंट से पीएफआई का या एसडीपीआई के हवाले को जोड़कर कहीं ना कहीं एक मकामी न्यूज चैनल में आपके सिलसिले में कोई तबसरा हुआ, क्या हकीकत है? सर, अभी देखिए, ये हाल ही में एक चार पाँच दिन पहले है, जून 3 तारीख से 5 तारीख तक पब्लिक टीवी में और दूसरे न्यूज़ एक्स चैनल में ऐसा एक न्यूज़ दिखाया गया। वो न्यूज़ में क्या हो रहा है, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे थोड़े एडवोकेट्स, मेरे गांव से, यहाँ से, वहाँ से, पर्टिकुलरली ये चैनल देखने वाले मुझे एक लिंक भेज के फ़ोन किया, क्या बात, तेरा वापस नाम दिखा रही, नाम के साथ साथ फ़ोटो भी दिखा रही, क्या तू SDPI का PFI का लीडर का थे ना, बोल रहे ऐसा बोल को मुझे फोन आ गया। मैं परेशान हो गया, क्या है ये? तो बाद में ओपन करके देखा तो हमारे पब्लिक टीवी के रंगना साहब उसमें क्या बोल रहे, KGLE DJ हल्ली गलबे आरोपी। अब आप सबको मालूम है KGLE DJ हल्ली गलबे में कौन थे, कौन नहीं थे, क्या थे, किसका होना तो भी नाम ले सकते थे वो टेम्पो, किसका होना उसमें नाम लिए। मैं एक पोलिटिकल विक्टिम हुआ, तो मुझे एक पॉलिटिकल टूल की जैसा इस्तेमाल करके 8 महीने मुझे जेल में लेके जाकर। और ये भी बातें हैं कि यहाँ की मकामी लीडरशिप को खत्म करने का भी एक बहाना CEE NRC के टाइम पर जिन्हें लोग आगे बढ़ चढ़ कर उलमा की ताइद में काम करें, उलमा जैसा बोलें वैसा काम करें, आवाम के साथ खड़को, आवाम को जिनों कई डरोनों को हमें तुम्हारे साथ ही, हमें तुम्हें मदद करते हैं, हमें कोर्ट कचहरी से जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर की बातचीत हुई, मीटिंग हुई, वो मीटिंग अटेंड कर को आवाम को एक पीस प्रोटेस्ट करने के वास्ते जिन्होंने राजी करे ले को गए, आवाम की उलमा की एक आवाज़ के ऊपर हमें पूरे सरेंडर हो को उलमा के साथ CEE NRC में काम करे। वो टाइम तो से हमें टारगेट में आ गए थे। और बहुत सारे ऐसे भी लीडर आई, उन्होंने क्या कर डाले बोले तो गलत गैर गलत इंफॉर्मेशन सिस्टम को देना शुरू कर डाले। सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो हो सकता, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ऐसा गैर गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने इनको देना शुरू कर डाला। तो हमने मालूम भी होता था इन्होंने ऐसा बोल रहे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बोल अब ठीक है। अब उनमा जब एक डायरेक्शन ले लिए है हमारे, तो हमें उनके साथ हमें उनको उनके बात को हमें तायिद करना चलना पीएफआई के मामले में जिस तरह आपको जोड़ा गया है, क्या हकीकत है? अभी देखिए इन्हों क्या कर रहे हैं, ये अभी 3 जून 3 तारीख को एक मैसेज में आया तो हमारे पूरे दोस्त आज बोला ऐसा है बोलकर, तो मैं ओपन करके देखा तो हमारे पब्लिक टीवी के रंगना सब दिखाती 2018-19 में जब CEE का मूवमेंट था, वो मूवमेंट में
कोई कलीम पाशा नाम का एसडीपीआई का पीएफआई का लीडर है, उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आपको ही मिले। अब वो कौन दिया क्या नहीं दिया, ईडी वाले रेड मारी, अब वो सभी वो लंबा किस्सा है। तो उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन दिए क्या दिए मालूम नहीं। वो मैं तो मेरे कॉलेज के जमाने से मैं एनएसयूआई का लीडर, हमारे नाना कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, हमारा अम्मा कांग्रेस पार्टी से ग्राम पंचायत इलेक्शन में जीते थे, लड़े थे, हमें सभी कांग्रेस की फैमिली से आया स्वाद, हमें एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से भी आया स्वाद नहीं। मेरा तो कोई नाता नहीं है एसडीपीआई से नाता है ना पब्लिक इसे हमारे पीएफआई से नाता है। अब इन्हों क्या कर रहे बोले तो वो गला टैंक के रेफरेंस में ले लगो के जी अल्ली डी जी अल्ली आरोपी कलीम पाशा, क्या मैं की छू क्या उसमें 10 की 12 जने की कलीम पाशा बोलो को नामा वाले जो अरेस्ट हो गए ही उसमें इन्हों क्या करे पर्टिकुलरली जिसके अकाउंट में जाको ही पैसे है उसे आइडेंटिफाई करना है, ईडी से इंफॉर्मेशन लेना या किसके घर को रेड मारी क्या है उसके इंफॉर्मेशन लेना। मैं मुझे चुपके बदनाम करने के वास्ते मेरे तस्वीर फोटो ये वो ही कर बोल लगो पूरे चैनल वाले मैच कर बोल को चलाना शुरू कर डाला। तो सब जहां तक आपके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपके नाम को बदनाम करने की जो साजिशें हुई ये अपनी जगह मुसल्लम, उसके अलावा तस्वीर का अगर दूसरा रूप देखें पीएफआई को भी जिस तरह काउंटर किया जा रहा है, एसडीपीआई को जिस तरह बदनामी का एक ठप्पा लगा दिया गया है, हालांकि आज तक कैसा कोई एविडेंस ना बड़े डिपार्टमेंट्स के सामने आया है ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल कर पाए। ये भी मुसलमानों का एक नुमाइंदा तंजीम है या मुसलमानों की पार्टी है या मुसलमान लीडर्स इसमें शामिल है, इस वजह से इसे भी निशाना बनाया है। ये तो खुले तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। सवाल ये है कि अगर आपका नाम पीएफआई से है एसडीपीआई से ऐसा जोड़ा भी जा रहा है तो ऐसी कोई दहशतगर्द तंजीम बोलकर भी नहीं है नंबर एक, और फिर दूसरा जिस तरह हमारे आपसी रिश्तों के अंदर तफरका डालने की कोशिशें हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दुश्मन ताकतें इस हवाले से कामयाब हो रही है? नहीं सर, देखिए आजकल कोई भी कौम का लीडर अगर कौम और मिल्लत के साथ साथ इंसानियत का काम करता है, सोशल जस्टिस में काम करता है, हमारा अखिलियतों का अगर कोई कम्युनिटी अखिलियत कम्युनिटी का लीडर है बोला तो उन्हें टारगेटेड है, वो तंजीम हो वो लीडर हो इनो सभी टारगेट हैं। अब आपको मालूम है अब क्या करने से क्या नहीं करने से इलेक्शन में किसको फायदा होता है सबको मालूम है। तो एक पॉलिटिकल माइलेज के खाते इस तरह के ये सभी क्या हो रहा बोले तो इनो या इनो टीआरपी कर लेने के वास्ते कर रहे हैं या खुसूसन एक लीडर को यहाँ बदनाम करने से उसे प्रॉब्लम करने से यहाँ पॉलिटिकल माइलेज क्या मिलता है वो कर रही है ना, ये सब चीजें अभी डाउट उभर को आना स्टार्ट। मीडिया का एक तबका जिस तरह आपको इन दिनों परेशान करने के लिए जो हरबा इस्तेमाल किया है, इस तरह मुसलसल खामोशी भी कहीं ना कहीं मिल्लत के लिए खतरे की घंटी है, इसके बारे में तो आपकी तरफ से इस पर क्या रिएक्ट है? इसके लिए ऊंची आवाज के आपसे भाई दरखास्त किया सर, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखो भाई इसके खिलाफ हमें अगर खामोश बैठ गए कहाँ की दंगा होता है उसे केजीएलडी डीजीएलडी का रेफरेंस देती, उसमें भी हमारा फोटो दिखाती है वीडियो क्लिपिंग दिखाती है इन लोग अगर समझ ली क्या इनो हमना कानून के ऊपर हमारे वतन भारत के कानून के ऊपर हमना पूरा भरोसा है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा है, पुलिस वाले को प्रेशर आको ये आको वो आको उन्होंने क्या भी कर को अंदर भेज डाल सकती, मगर क्या बोले तो कानून सबके लिए एक ही है और हमारे लिए कोर्ट के हॉनरेबल कोर्ट के दरवाजे खुले ही, हमें उनको समझाती दो सर ऐसा 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 सा हमने फंसाया गया निकलती बाहर वो बात अलग है, कोटा में चल रहा है ये वो बात अलग है, मगर अब क्या हो गया यहाँ हमना इन लोग क्या कर रही बोला तो इनके पॉलिटिकल माइलेज के वास्ते हमना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खामोश बैठा तो नहीं होता, मैं जितने भी हमारा सेकंड लीडरशिप आई उनको सबको अभी हमें पूरा मिलना बात करना, अब ऐसे चैनल के ऊपर हमें अगर उनके ऊपर हमें केस नहीं डाल है तो हमें डिफॉर्मेशन कैसा नहीं डाला है उनके ऊपर कोर्ट के सामने हमें नहीं गए तो उनको और भी बढ़ावा मिल जाता है ऐसे चीजें करने के वास्ते। और एक चीज क्या है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे कौमर मिल्लत के दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टियां ही उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आई उन्होंने मैं क्या बोलता हूँ सियासत की भी एक हदरत है, बियॉन्ड द लिमिट जाको सियासत करने जाओ को किसी को बदनाम कर को मजा उठाने जाओ को किसी को बदनाम कर को सियासत करने जाओ को बेकार में तुम ना उसे हराने नहीं होता बोले तो उसे हराने नहीं होता बोले तो तुम उसे बदनाम भी करने जाओ को की बोले तो
हमारा जो ईमान है, अकीदा है, हमें जो करती है वहाँ भुगतती बोल को इस सिलसिले में कितनी कानूनी पहल हुई है? नहीं सर, अभी मैं ये पूरे वीडियो क्लिपिंग से ये वो पूरे कलेक्ट करके उसे डाउनलोड करके मैं क्या करें, हमारे एडवोकेट साहब हाईकोर्ट के एक बड़े एडवोकेट साहब हैं, उनसे मैं ये सब चीज़ों में दिखाया और उनको भी मालूम है मैं केजुअली डीजुअली क्या गलत है, डेम्बो मेरा चुपके ऐसा कई को नाम ले लिया, क्या ले लिया, कौन कौन क्या क्या गलत है, बड़े साथ दिए क्या दिए क्या नहीं, उनको मैं कहाँ था क्या था पूरे वीडियो क्लिपिंग्स पूरे हमें समझाए दिखा, अब उनको मालूम है, अब वो हमारा पूरा हमें क्या कि जाको हमें जाको कैसा कैसा अटेंड कर लेको, हमें क्या कि कर ले गिर लेको स्लोली स्मूथ, हमारे फैमिली की प्रॉब्लम है, अब घर में अब ये देखो ये न्यूज़ देख दल कोई परेशानी घर में वापस अम्मा डिप्रेशन में चले गए, बीमार हो जाए को और क्या मुसीबत कर को, और मेरे बच्चे परेशान, भाई हम परेशान, पूरी फैमिली वाले परेशान, और कोई सी नई मुसीबत डाल लिया बोल को, इनको क्या मालूम हमारे परेशानी है क्या ही बोल को, इनका टीआरपी रेट चढ़ा लेने के वास्ते है, इनके न्यूज में क्या किया आने के वास्ते, हमारा नाम कहीं को इस्तेमाल करती, हमारे फोटो कहीं को इस्तेमाल करती, तो इस सिलसिले में आप बहुत सख्त एकदम अभी इनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस डालने के वास्ते हमारे लायर साहब को बात करी, क्या सोर्सेस को इन्होंने लिए, कई को लिए, क्या लिए, भाई हमने पैसे आको ही बोला तो तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है पैसे आको ही बोल को, हाँ तुम्हारे पास तुम्हें हमने पूछे क्या फोन कर को, भाई नहीं कास बंदी थी अंतल ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾ ತೋ ಭೀ ಪೂಛೆ ಏನೋ, ಕ್ಯಾ ಭೀ ನಹೀಂ ಪೂಛ್ ರಹೀ, ಕ್ಯಾ ಭೀ ನಹೀಂ ಮನ್ಮಾನಿ ಕರ ರಹೇ ಹೋ. ಸವಾಲ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಜೈಸೆ ಹೀ ಕೋಯಿ ಮುಲ್ಜಿಮ್ ಆತಾ ಹೈ ಸಾಮ್ನೆ, ಸಿರ್ಫ್ ಉಸ್ ಪರ್ ಏಕ್, ಹಾಲಾಂಕಿ ಅದಾಲತ್ ಉಸೆ ಕಭಿ ಮುಜ್ರಿಮ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಲಂಬಾ ಅರ್ಸಾ ಲಗ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಸೆ ಕಬ್ಲ್ ಹೀ ತಕರೀಬನ್ ತಕರೀಬನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರ್ ಮುಸ್ತಕಿಲ್ ಅದಾಲತೇ ಚಲ್ತಿ ಹೈ. अब क्या हो गया, बहुत सारे चैनल वाले हैं, इनो पुलिस कमिश्नर, इनो चीफ मिनिस्टर, इनो होम मिनिस्टर, इनो सर्कल इंस्पेक्टर, इनो मीडिया, इनो जज, इनो कानून, वो इट को पूरे टेबल पर इनो बोलना शुरू कर देते हैं. अब ऐसे चैनल के ऊपर मैं अभी हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे तालिबे इल्म ही जो आदमी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं जज हैं इनो उन्होंने ही उनको बैठ को बातचीत कर को भाई ऐसा अगर चलता रहा तो कोई भी आगो इलेक्शन में खंडे तैयार नहीं होता. अब जिन्हें इलेक्शन में खंडे तैयार होता उसे ऐसे चीज में फंसा डाले तो उन्हें क्या इलेक्शन में खड़को आदत को खत्म करने का, उन्हें इलेक्शन में क्या खड़को काम कर सकता, उन्हें डर को मर को काम करा तो काम नहीं होता. सर काम करना, पब्लिक का काम करना बोला तो थोड़ा बहुत कुछ कानून जानना, केएमसी केटीटीपी ये वो एक्ट जानना, पढ़ना लिखना जाना, काम करना सभी करना करना पड़ता. अब ये शादी के खिलाफ आवाज हमें उठाना कोटा कचेरियां तक ऐसे चैनल हमको लेकर गए तो हमें आने वाले दिनों में थोड़ा हमारी लीडरशिप को कुछ सपोर्ट मिलेगा उनको, मेरा एक ये है सर ये. तो नाजरीन ये एहसास थे मोहतरम कलीम पाशा के जिन्हें एक गलत जाविये से पेश करके, और हालांकि वो कोई दहशतगर्द तंजीम भी नहीं है जिसका नाम लेकर इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह माहौल को क्रिएट किया जा रहा है और माहौल में जिस तरह जहर आलूद करने की माहौल को जिस तरह जहर आलूद करने की कोशिश हो रही है वो भी किसी भी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं है. कलीम पाशा ने ये दावा किया है कि इस सिलसिले में बहुत सख्त इकदाम किए जाएंगे और कोर्ट से रुजू अदालत से रुजू होते हुए इस सिलसिले में डिफॉर्मेशन केस तक भी ये दायर करने पर सोच रहे हैं, मुमकिन है इस सिलसिले में पेशरफ्त हो. बहरहाल इस सिलसिले में जो कानूनी पहल का दावा किया जा रहा है मुमकिन है बहुत जल्द वो अमल पैरा भी हो, उस पर अमल पैराई भी हो, देखना यह है कि इस सिलसिले में किस कदर पेशरफ्त होती है. नाज़रीन हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे. शुक्रिया.